वेलकम बैक एवरीवन, लक्की वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से कि विंडोज़ के किसी भी आईएसओ फाइल को, चाहे वो विंडोज़ 7 हो, एक्सपी हो या 10 हो या कोई भी अदर ओएस हो, जैसे कि लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, तो इसे हम पेन ड्राइव में कैसे बूटेबल बना सकते हैं, यही हम सीखेंगे। और एक और चीज़ जो बोनस में है कि हम इसी टूल के ज़रिए, जिस टूल का हम यूज़ करने वाले हैं, इसी टूल के ज़रिए विंडोज़ को डायरेक्ट, जो ऑफिशियल विंडोज़ है उसका आईएसओ को भी डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है। एक पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव का जो साइज़ है वो डिपेंड करेगा कि आप जिस आईएसओ फाइल को बूटेबल बनाना चाहते हैं उसकी साइज़ के हिसाब से। जैसे कि मेरे पास ये विंडोज़ 10 का एक आईएसओ फाइल है जिसका साइज़ जो है लगभग 5 GB है, तो मुझे एक कम से कम 8 GB का पेन ड्राइव चाहिए। तो आपको पेन ड्राइव की ज़रूरत है, जिस आईएसओ फाइल को आप बूट करना चाहते हैं उस फाइल का ज़रूरत है, और ये टूल का जिसका नाम है रूफ़ूस। तो ये जो टूल है, इसे डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है रूफ़ूस। पहला जो लिंक है ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे क्लिक करते ही इसका जो साइट है खुल जाता है। और ये फ्री टूल है, छोटा सा टूल है, ज़्यादा साइज भी नहीं है इसका, और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो हम मैं पहले इसे ओपन कर लेता हूँ। तो इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का है। यहाँ पे मेरा जो पेन ड्राइव है कंप्यूटर पे लगा हुआ वो शो हो रहा है। अगर आपके पीसी में 2-3 डिवाइस एक साथ कनेक्टेड है, वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गया या 2 पेन ड्राइव हो गया, तो जिस पेन ड्राइव को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं यानी कि बूटेबल बनाना चाहते हैं, उसे आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पीसी में अभी एक ही लगा हुआ है, इसलिए एक ही शो कर रहा है। तो दूसरा जो स्टेप है, हम देखेंगे कि विंडोज़ को ऑफिशियली डाउनलोड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेक्ट बटन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका बाजू में ये आपको ड्रॉप डाउन बटन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना है। जब डाउनलोड क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपके पीसी में इंटरनेट होना ज़रूरी है तभी ये काम करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा कुछ विंडो आपको दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके विंडोज़ का वर्सन सिलेक्ट करना है, जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके, जैसे कि आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 भी जो लेटेस्ट है वो भी अवेलेबल हो गया है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है विंडोज़ 10 का या आईएसओ फाइल, तो मैं अभी डाउनलोड नहीं करूँगा। तो ये एक बोनस टिप था जो आपके लिए। तो हम यहाँ क्लोज़ करते हैं, फिर से यहाँ पे सिलेक्ट पे जाते हैं और सिलेक्ट करके जो हमारा आईएसओ फाइल है इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ओपन करना है। अभी दूसरा जो स्टेप है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं EMBR और GPT। मैं ज़्यादा टेक्निकल बातें करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि आपको कौन सा ज़रूरत है EMBR या GPT, ये समझने के लिए एक सिंपल सा फंडा है। आप जिस कंप्यूटर को फॉर्मेट करेंगे यानी कि जिस कंप्यूटर में आप विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे, उस पीसी में आपको जाना है, माय कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे आप डिस्क मैनेजमेंट पे जाइए। अब आपको फॉलो करना है कि इसमें कौन सा सी ड्राइव है या कौन से डिस्क में आप विंडोज़ को इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो डिस्क आपको सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लोडिंग होने में, क्योंकि मेरा पीसी में अभी 3 हार्ड ड्राइव इंस्टॉल है, तो मुझे फाइंड करना है कि मेरा सी ड्राइव कौन सा है, यानी कि जिस ड्राइव में ऑलरेडी इंस्टॉल है या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका पार्टीशन स्टाइल आपको देखना है। तो मेरा आप साफ साफ देख सकते हैं ये इस ड्राइव में, यानी कि इस हार्ड ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल है। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ वॉल्यूम पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे GPT लिखा हुआ है, पार्टीशन टेबल जो है GPT है। तो मुझे यहाँ पे, अगर मैं इस पीसी में विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे GPT सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं जिस पीसी में विंडोज़ को इंस्टॉल करूँगा वो MBR में है, इसलिए मैं GPT नहीं MBR सिलेक्ट करूँगा, और इसे क्लोज़ कर लेते हैं। तो MBR सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे ISO फाइल ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मेक श्योर कि यहाँ पे NTFSO, ये वॉल्यूम लेवल आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट है मैं वही रखने देता हूँ। अभी जो है पूरा रेडी है, स्टार्ट करने से ही हमारा जो फॉर्मेटिंग प्रोसेस है, जो बूटिंग प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे एक छोटा सा वार्निंग है कि आपका पेन ड्राइव में जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, आपको दोबारा वो नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर आपका जो पेन ड्राइव जो है उसमें आपका कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा ना हो, पहले आप उसे बैकअप ज़रूर ले लीजिए।
अब ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें वेट करना है। ये स्पीड जो है आपका पीसी के ऊपर और पेन ड्राइव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका पेन ड्राइव USB 3 है और पीसी में भी USB 3 है तो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, देखते रहिए। तो फाइनली दोस्तों हमारा पेन ड्राइव जो है अब रेडी हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और मुझे नहीं लगता कि विंडोज़ को ऑफिशियली विंडोज़ का जो iOS है उसे डाउनलोड करने का इससे आसान तरीका इंटरनेट में अवेलेबल है। तो ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पर।